बाहरी दिल्ली के नरेला के भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री के अंदर से काम कर रहे छोटे छोटे बच्चों को एसडीएम और लेबर डिपार्टमेंट की टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। फिलहाल रेस्क्यू किए गए इन सभी बच्चों का मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। आपको बता दें, केमिकल और प्लास्टिक के फैक्ट्रियों में भी छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए पाए गए। वहीं इनसे काम करवाने वाले फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। फिलहाल यह सभी नाबालिग बच्चे मौजूद हैं नरेला एसडीएम कार्यालय में। इन बच्चों को अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते हुए नरेला एसडीएम और चाइल्ड डिपार्टमेंट की टीमों ने मुक्त करवाया है। दरअसल एसडीएम नरेला और चाइल्ड डिपार्टमेंट टीम को सूचना मिली थी कि नरेला के भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में कई प्लास्टिक और केमिकल की फैक्ट्रियों में भी छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है। आज जब नरेला एसडीएम की टीम जब वहां जांच के लिए छापेमारी करने पहुंची तो खुद टीम को लीड कर रहे अधिकारी भी हैरान रह गए, क्योंकि कुछ बच्चों की उम्र तो 10 से 11 साल की थी जो काम करते हुए पाए गए। एसडीएम ऑफिस के द्वारा की गई है। हमको एनजीओ सहयोग केयर की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर कुछ इन फैक्ट्रीज में चाइल्ड लेबर का इशू था, तो हमने फिर क्या किया कि तुरंत ही हमने प्री रेस्क्यू मीटिंग बुला के प्लान कर लिया कि यहाँ पर हम सरप्राइज इंस्पेक्शन करेंगे। तो हमने नरेला का इंडस्ट्रियल एरिया का ही हमने फोकस किया है, तो हमने ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में और कुछ एक एच ब्लॉक में वहाँ पर हमने रेड करके कुछ बच्चों को लिया है। तो जो बच्चे हमने वहीं पर कागज़ चेक कर लिए, जो बच्चे अबोव एज के थे उनको हमने वहीं पर छोड़ दिया, और जो 18 और बॉर्डर पे थे उनसे कम उनको हमने अभी अपने साथ डीएम ऑफिस ले जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में। वहाँ उनका मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद उनके स्टेटमेंट लेके फिर उनको चिल्ड्रन होम भेजते। अभी कितने बच्चों को आपने रेस्क्यू किया? अप्रॉक्सीमेटली अभी हमने 34 का लिया है। 34 का रेस्क्यू किया। काफ़ी आधार कार्ड भी दिखा रहे हैं कि आधार कार्ड में उनकी एज जो है 23, 22, 25 है। हाँ, रहती है। हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम एक बार वहाँ ले जाके वेरीफाई करते हैं, वहाँ मेडिकल वाले भी वेरीफाई करते हैं, उसके बाद हम उनको पेरेंट्स के हवाले करते हैं। सर, ये रेड लगातार जारी रहेगी? रेड हमारा कोशिश रहता है कि हर महीने करें, ताकि हम हमारा टारगेट है कि हर महीने कुछ 40-50 बच्चे ऐसे कर सकें, तो हमारा कोशिश तो लगातार रेस्क्यू करते रहते हो बच्चों का। सर, जिन बच्चों की जिन फैक्ट्रियों में कम उम्र के बच्चे काम कर रहे हैं, क्या उन मालिकों पे भी कोई कार्रवाई की जाएगी? उनकी FIR होगी और फैक्ट्री को सील कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। बच्चे केमिकल और प्लास्टिक की फैक्ट्री में भी काम कर रहे थे। बिना किसी सावधानी के काम करते हुए इनके शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर कितना नुकसान हुआ होगा। साथ ही बच्चे मेंटली रूप से भी परेशान हैं। फिलहाल इन सभी बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है और फिर इनकी मेडिकल चेकअप और उम्र की पुष्टि की जा रही है। यदि कोई बच्चा इसमें बालिग होगा तो उसे उसके काम करने पर छूट दे दी जाएगी। बाकी बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंपा जाएगा, जो बच्चों से बातचीत के बाद उनके परिजनों को सौंप देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।